आज हम जो मिठाई बनाएंगे हलवाई लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बना के तैयार करेंगे। ये जो मिठाई हमारी कान्हा जी की फेवरेट मिठाई है मेवा पाक। मैं आपको पूरा आसान तरीके से बना के दिखाऊंगी, पर जो ट्रिक मैं बताऊंगी उसी प्रकार आप बनाएंगे तो आपकी पाक कभी भी कड़क नहीं बनेगी कि बिखरेगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए हम जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता, ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम बैक टू बॉबी हेल्दी फूड। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस करेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन जो मिल जाएंगे आप मेरे नए वीडियो देख पाएंगे। बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई पे आधा कप घी डालेंगे। इसके लिए हमको 5 से 6 प्रकार की ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स है आप उसको ऐसे ले सकते हैं। ये में हमने बादाम लिए हैं, ये 20 से 25 बादाम है, ये है आधा कप बादाम है। इसको हम पहले फ्राई करेंगे। ये जन्माष्टमी में ये कान्हा जी के लिए ये प्रसाद लगती है। ये सबसे बढ़िया प्रसाद है कान्हा जी का। ये प्रसाद आप एक बार बनाएंगे ऐसे ही मेरे तरीके से आपका जो मेवा पाक है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। आप पहले से लास्ट तक पूरे वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या कैसे इसको कौन सी ट्रिक्स में बनाती हूँ। देखिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। भी ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ी चटकने लगी है। अब हम आधा कप काजू डालेंगे, ये भी 20 से 25 काजू है। पहले आप बादाम को फ्राई कीजिए फिर उसके बाद काजू को कीजिए। काजू ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, ये जल्दी फ्राई हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स हमारा काजू और बादाम फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल देते हैं। देखिए उसी कढ़ाई पे अब हम एक कटोरी मखाना फ्राई करेंगे। ये मखाना बाजार में मिल जाती है, ये मखाना सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। जितने चीज़ हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं ये सब आपकी सेहत को बढ़िया रखती है। देखिए फ्रेंड्स हमारा मखाना भी अभी फ्राई हो गई है, ये क्रिस्पी दिख रही है। देखिए अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसको भी अब हम निकाल देते हैं। देखिए ये हमने ये ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही निकाल के रखेंगे, ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे। कढ़ाई पे ये हमने 1 कप नारियल का ये पाउडर है, ये बाज़ार में मिलती है। आप चाहे तो नारियल का गोला लेके उसको ग्रेट कर सकते हैं। ये 1 कप नारियल का पाउडर है। ये देखिए ये है सनफ्लावर सीड्स है, उसी को डालेंगे पहले। फिर ये 1/4 कप वाटरमेलन सीड्स है, उसी को डाल देंगे। और ये हमारा पम्पकिन सीड्स, वो भी 1/4 कप है। और कुछ रेजिन्स किशमिश है, वो भी 1/2 कप। ये सारे चीज़ को हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। उसी में अब हम ये 3 चम्मच खसखस डालेंगे। सारे चीज़ को अब हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अभी ये फ्राई हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हमारा दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। ये जो मखाना और ये जो बादाम काजू है उसको हम पीसेंगे। मैंने गोंद नहीं डाली है, आपके पास गोंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा बढ़िया रहती है, वो भी सेहत के लिए बढ़िया है। हमारा जो काजू और बादाम है वो अभी ठंडी हो गई है, अब हम इसको एक मिक्सी जार में पीस लेते हैं। पहले हम ये दोनों को पीसेंगे। देखिए इसको हम पीसने के टाइम थोड़ी रुक रुक के पीसेंगे, जो इसको हम पूरा फाइन पाउडर बनाएंगे नहीं उसको दरदरा पीसेंगे। काजू और बादाम अभी पीस दिए हैं, अब हम इसको निकाल देते हैं।
देखिए ऐसे ही हम इसको दरदरा पीस लिए हैं। अभी हम उसी जार में हमारा मखाना को पीसेंगे, इस भी हम दरदरा पीस लेते हैं। ये मखाना भी अभी पीस गई है, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये ऐसे ही आप इसको दरदरा पीसिए, नहीं तो आप खलबटे पे भी इसको कूट के भी पीस सकते हैं। अब हमारा ये जो हमारा मेवा पाक बनेगी, इसके लिए हम एक चाशनी तैयार करेंगे। ये चाशनी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो पाक है वो अच्छी तरह बनती नहीं है। कभी पूरा टूट जाती है तो कभी नरम, बहुत नरम हो जाती है, जो आपको बनाने में पूरा दिक्कत हो जाएगी। तो जो कप में हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उसी कप में हम 2 कप शक्कर डालेंगे। फिर हम वही कप पे 1 कप पानी डालेंगे। आप जो भी कटोरी या कप जो भी लेंगे, वही 1 से 1.5 माप कीजिए। देखिए शक्कर को अब हम अच्छी तरह उबलने देंगे। आप ये जन्माष्टमी में इसको बना सकते हैं, नहीं तो अलग दिन में भी इसको बना के आप खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है और ये आपको बहुत सारा बेनिफिट्स भी देती है। ये हम मीडियम फ्लेम में हमारा ये चाशनी को पकाएंगे। चाशनी अभी उबल रही है, अब हम एक थाली पे घी लगा के उसको ग्रीस कर देते हैं। घी लगा के उसको ग्रीस कर दिए हैं, अब हम हमारा चाशनी को देखेंगे। ये ज़्यादा भी आपका 2 तार हो जाएगी तो ये आपकी पूरा कड़क हो जाएगी कि टूट जाएगी। देखिए हमारा चाशनी को अभी हम चेक करते हैं। देखिए देखिए अभी ये 1 तार जैसा बन रही है, इसका मतलब हमारा चाशनी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगी। देखिए हमारा जो ड्राई फ्रूट्स और मखाना है, उसी को अब हम डाल देते हैं। और ये जो डेसिकेटेड कोकोनट और जितना हमारा सीड्स है, उसी को भी अभी डाल देते हैं। देखिए सारे चीज़ को डाल के अभी हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। उसी में और ज़्यादा फ्लेवर लाने के लिए हम 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। आप इसको ये जब हम चाशनी डालने के बाद आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कीजिए। देखिए हमारा ये जो हमने बनाए हैं ये पाक, ये पूरा अच्छी तरह कढ़ाई छोड़ने लगी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसको अब हम ये थाली पे निकाल देते हैं। इसके ऊपर हमने जो खसखस रखे थे उसी को थोड़ा डाल देंगे। कुछ पिस्ता डालेंगे। आप चाहे तो ये डाल सकते हैं, आप नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये हम पिस्ता डालेंगे। ये बहुत सुंदर दिखेगी और खाने में भी बढ़िया लगेगी। इसको भी अब हम थोड़ा दबा लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा मेवा पाक अभी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के बाद आपको काट के दिखाएंगे। देखिए, हमने ये जो थाली में इसको जमाए हैं ये पाक, इसको अब हम काटेंगे। ये अभी थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसको एक शेप देंगे। आपको जैसे ही शेप चाहिए आप उसी हिसाब से वैसे ही शेप दे के इसको काट सकते हैं। ये हमारा ये जो पाग है ये अच्छी तरह बन के तैयार हो गई है। इसके लिए ये काटने में पूरा बढ़िया होती है। ये मैं एक आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। आप ऐसे ही पूरा बनाइएगा, मैं जैसे बनाई हूँ आप उस तरीके से पूरा बनाएंगे तो आपका ये मेवा पाक पूरा बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, मैं अंदर का भी दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है। देखिए, पूरा ऐसे ज़्यादा कड़क नहीं कि पूरा नरम नहीं, पूरा बढ़िया तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। देखा फ्रेंड्स, हमारा ये मेवा पाक बन के अच्छी तरह तैयार हो गई है। आपने ये जो जन्माष्टमी है इसी जन्माष्टमी में इसको बनाइएगा और अपनी कान्हा जी को प्रसाद लगाइएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय बाय।